फॉर्म एग्जाम 24 में एक बहुत बड़ी सूचना आई है, आप देख रहे होंगे और ये व्हाट्सएप पे आजकल दौड़ रहा है। हालांकि मैं इसको वेरीफाई नहीं किया हूं, मैं बता रहा हूं मैं वेरीफाई नहीं किया हूं, अक्सर मैं न्यूज को वेरीफाई करके आता हूं, तो अभी अभी मुझे जानकारी मिली। अगर ये न्यूज सही है तो, चूंकि इसको वेरीफाई करके मैं आपको बाद में बता दूंगा, अगर ये न्यूज सही है तो एक अपडेट आया है कि एग्जाम का डेट बदल रहा है। मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट भी लग रहा है, लेकिन ठीक है, ये एक आया ट्वीट है जो आपके चेयरमैन साहब का, तो इन्होंने कहा है, देखिए जगदीश कुमार का है, तो इन्होंने कहा है कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड यूजीसी हैव डिसाइड टू शिफ्ट द यूजीसी नेट फ्रॉम 16 जून टू 18 जून, यानी 16 जून को जो एग्जाम होने वाला था संडे को, उसे शिफ्ट करके ट्यूसडे को यानी मंगलवार को 18 जून को करने वाले दो दिन, बताओ दो दिन का। और दिया है बिकॉज द फीडबैक, कारण दे रहे हैं क्योंकि फीडबैक मिला किससे, तो कैंडिडेट से, कैंडिडेट से इनको फीडबैक मिला है और उसके आधार पर, तो कैंडिडेट ने कहा कि इतना कम समय आप दे रहे हैं और इस समय में हम तैयारी कैसे करें, थोड़ा सा डेट वगैरह बढ़ाया जाए, तो इनको लगा चलो इनका भी दिल रख लेते हैं, दो दिन का डेट बढ़ा देते हैं। तो ऐसी कोई सूचना आ रही है, लेकिन नीचे भी दिया है कि नीचे दिया है एनटीए विल कंडक्ट यूजीसी नेट इन ओएमआर मोड अक्रॉस द अक्रॉस इंडिया ऑन ए सिंगल डे। तो ये तो मैंने कल भी आपको बताया था कि नेट का जो एग्जाम होगा वो एक दिन में होगा और ओएमआर यानी कि ऑफलाइन मोड में होगा, तो ये ऑफलाइन मोड में होगा, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। जो लोग चिल्ला रहे थे 1,00,000 से ऊपर फॉर्म पड़ेगा तो ऑफलाइन होगा, नीचे फॉर्म पड़ेगा तो ऑनलाइन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक दिन में एग्जाम होगा और ऑल इंडिया यानी कि पूरे भारत में। आगे दिया है एनटीए विल सून इशू ए फॉर्मल नोटिफिकेशन, यानी कि एक औपचारिक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द एनटीए जारी करेगा। तो ये रही थोड़ी सी सूचना जो आपके लिए है, ठीक है। बाकी 6 बजे हमारी प्रैक्टिस होने वाली है, तो थोड़ा नेटवर्क के इशू की वजह से वो प्रैक्टिस जो है लेट हुई है, तो ऐसे ही हमारे जो है नोटिफिकेशन को पाने के लिए, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत जस्ट अभी आपकी प्रैक्टिस चलने वाली है, तो आप बने रहें।